चलिए आज बनाते हैं बहुत ही मजेदार सी मिल्क बर्फी, जो कि बिल्कुल आप खाएंगे तो मुंह में घुल जाएगी, बहुत ही लजीज। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं अपनी ट्रे डिश जिसमें हम उसे सेट करने वाले हैं, और इसे कर लेते हैं हम ग्रीस। यहाँ पर दोस्तों हम असली घी से इसे ग्रीस कर रहे हैं, अब आपकी मर्जी है, आप इस जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है ताकि जो बर्फी है सेट होने के बाद आसानी से इसे निकल जाए। चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट खूबसूरती के लिए, जो कि है पिस्ता। हमने यहाँ पर पिस्ता, आपको बहुत हरा हरा दिख रहा होगा, इसे हमने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था और बहुत आसानी से इसके जो ऊपर का कवर था वो निकल गया, और फिर हमने उसे इस तरीके से कट कर लिया। तो ये हो गया, और हमने इसी तरीके से बादाम को भी कट कर लिया है, और बादाम को हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी में 1 सेकंड के लिए भिगाया था ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए, हमें उसके छिलके नहीं निकालना था क्योंकि उससे खूबसूरती आएगी। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे बादाम भी डाल दिया। चलिए अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो चलिए हमने यहाँ पे डाल दिया अपने ड्राई फ्रूट्स, और इसे हम रख देते हैं अब साइड में। चलिए यहाँ हमने ले लिया है अपना एक बाउल, और इसमें हम डालने वाले हैं मिल्क पाउडर। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं 2 कप मिल्क का पाउडर। आप अपने मेजरमेंट से कोई भी कप ले लें, कटोरी ले लें। तो यहाँ पर चला गया 2 कप मिल्क पाउडर। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 4 टेबल स्पून के करीब घी, 2, 3 और 4। हमने 4 टेबल स्पून घी ले लिया है, और इसे बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सब तरफ जो घी है अच्छे से पाउडर में मिक्स हो जाए। तो अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए अब इसको भी हम रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे हमने ले लिया है अपनी कढ़ाई, इसमें हम ले रहे हैं 3/4 कप शक्कर, और इसमें हम डालने वाले हैं 3/4 कप पानी। अब हमें इसका एक शीरा बना लेना है गाढ़ा सा। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने अपना गैस ऑन कर दिया है, और इसे हम एक गाढ़ा सा शीरा बनाना है हमें। तो इसे पहले घोल लेते हैं और उबाल आने देते हैं। तो यहाँ देखिए आप, बहुत अच्छे से हमारा शीरा जो है उसमें एक बॉईल आ गया है। ये बॉईल आने के बाद हम और इसे 2-3 मिनट तक पकने देंगे ताकि जो शीरा है थोड़ा ठीक हो जाए। तो यहाँ पे जो शीरा है हमारा गाढ़ा हो चुका है। बस इस वक्त हम गैस की फ्लेम को लो करते हैं और ऐड कर देते हैं घी और मिल्क पाउडर जो हमने मिक्स करके रखा था। अब इसे जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। आपको इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक ये जो दूध है ये जो कढ़ाई है उसे छोड़ने ना लगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा गाढ़ा हो चुका है हमारा जो मिक्सर है, और बस आपको कंटिन्यूस हाथ चलाना है, बिल्कुल भी रोकना नहीं है, ये तो ये जो दूध है बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को कर देंगे कम, और 2 मिनट तक हम इसे स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये जले नहीं। यहाँ पर हम इसमें रोज एसेंस डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब, जिससे बहुत ही प्यारी सी ठंडी ठंडी सी खुशबू आने लग जाएगी। आप यहाँ पे वेनिला या केवड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप रोज करें, बहुत ही प्यारी खुशबू इस वक्त उठ रही है इसमें से। तो यहाँ देखिए हमारा पैन वो छोड़ रहा है बिल्कुल जो मिक्सचर है, और अब ये साइड में आप देख सकते हैं कि जमने लग गया है। तो चलिए जल्दी से हम इसे सेट कर देते हैं। इसमें डाल दिया, अब इसे हम अपने चमचे से बहुत अच्छे से इसका एक लेवल कर लेंगे, धीरे धीरे से करिए, बिल्कुल जेंटली। यहाँ पर हमने इसे जमा दिया है और खूब अच्छे से बिल्कुल भी हल्के हाथों से इसे चिकना चिकना सा कर लिया है। अब चलिए चलते हैं और इसे फ्रिज में रख देते हैं कम से कम 10 या 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और हमने इसे फ्रिज में से निकाल दिया, नीम गरम है ये, बस इसे हम जल्दी से ऐसा उल्टा कर देते हैं, और उल्टा करके इसे हम थोड़ा सा टैप करते हैं ताकि इजीली निकल जाए।
देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी हमारी बर्फी बन गई है। दूध की बर्फी कह लें, आप इसे चॉकलेट कह लें। सिर्फ एक ही आपको टिप देना चाहूंगी यहाँ पर कि जिस वक्त पैन में, आपके फ्राई पैन में जब आप इसे सुखा रहे हो, उस वक्त जैसे ही इसके जो किनारे हैं जमने लग जाएं, आप इसे निकाल लीजिएगा। तो ये लीजिए, बहुत ही मजेदार सी मिल्क बर्फी तैयार है, झटपट बन गई। बच्चे बहुत ज्यादा खुश होंगे, इसको खाने में ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल भी चॉकलेट खा रहे हैं, मुंह में घुल जा रही है। आप जरूर बनाइए, बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि इसे बहुत ज्यादा सुखाना नहीं है, नहीं तो ये सख्त हो जाएगी। जैसे ही आपकी कढ़ाई में साइड में ये जमने लगे, आप इसे जमा दीजिएगा। दोस्तों बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारी गुजारिश है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए। दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो हम फिर लेके आते हैं एक प्यारी सी मजेदार सी रेसिपी बच्चों के लिए, जो कि बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम फिर मिलते हैं, अपनी दुआ में हमें याद रखिए। खुदा हाफिज़।